अपने दिलचस्प ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक और दिलचस्प ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने एक सर्वे का डेटा शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि देश के किस राज्य में कितने प्रतिशत परिवारों के पास कार है। इसके मुताबिक देश में गोवा में सबसे ज्यादा परिवारों के पास कार है, जबकि सबसे कम कारें बिहार के परिवारों के पास है। सर्वे के मुताबिक देश भर में 7.5% लोगों के पास कार है। सबसे ज्यादा गोवा में 45.2% परिवारों के पास कार है, जबकि बिहार में सबसे कम महज 2% परिवारों के पास कार है। दिलचस्प बात है कि राजधानी दिल्ली में भी केवल 19% परिवारों के पास ही कार है। इस सर्वे का सोर्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, जो 2019 से 2021 के बीच कराया गया था। इसके मुताबिक पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कारों की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और केरल में 20% से ज्यादा परिवारों के पास कार है। उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, मेघालय और मिजोरम में 10% से ज्यादा परिवार कार मालिक है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु में 5% से ज्यादा परिवारों के पास कार है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 5% से कम परिवार कार मालिक हैं। अगर अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल में 2.8%, ओडिशा में 2.7%, आंध्रा में 2.8% परिवारों के पास कार है। महिंद्रा के इस ट्वीट को 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यूजर्स लगातार इस बार दिलचस्प टिप्पणी भी कर रहे हैं, जिसमें बिहार की 2% में महिंद्रा की बोलेरो की ज्यादा संख्या होने का जवाब भी शामिल है। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में ज्यादा कार होने की वजह जानने के लिए भी सरकारी एजेंसियों से कहा जा रहा है कि वो इसका जवाब तलाशें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।